हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और बच्चों, आज आपका टर्न है सब्जेक्ट ड्राइंग, और क्लास आपकी कौन सी है? थर्ड फोर्थ। ओके बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे ड्राइंग में? हमारा टॉपिक नंबर कौन सा चल रहा है? 12। 11 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11 टॉपिक में हमने क्या किया था? बुक बनाई थी। ओके, अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 12 का पार्ट सेकंड। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? उसमें हमने बुक बनाई थी। और अब हमारा पार्ट चल रहा है सेकंड, जिसमें हम क्या करेंगे? पेन बनाएंगे, बुक के साथ ही पेन बनाएंगे, ठीक है? और पेन में हमें क्या करेंगे? हम सैड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी वो हो रही है, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, हम पेन बनाएंगे और पेन में हम शेड करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे? पेन, इरेजर, शॉर्पनर, रब पेपर और पेंसिल लेकर बैठेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, उसी तरीके से यहाँ पेन को बनाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेन बनाना, ठीक है? देखिए पेन हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक इधर से करेंगे, ठीक है बच्चों? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसे यहाँ से ऐसे करेंगे और इसे ऐसे करेंगे, ठीक है? फिर इसे इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। फिर हमको क्या करना है? इस तरीके से ऐसे करेंगे और फिर इसकी नोक बनाएंगे, ठीक है बच्चों? क्या बना रहे हैं बच्चों? हम पेन, और पेन में हमको करना क्या है? शेड। तो बच्चों इस तरीके से आप पेन को बनाएंगे। अब देखिए हमने ये पेन बना दिया है, और बिल्कुल पेंसिल हल्के हाथ से चलाएंगे जिससे कि पेपर ब्लैक ना हो। तो हमको इसमें क्या करना है बच्चों? हमको इसमें करना है सेड। ठीक है, शेड मैंने बता ही रखा है आपको किस तरीके से आप शेड करेंगे। चलिए एक बार और बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम पेंसिल को पकड़ेंगे और पेंसिल को इस तरीके से हल्का सा साइडों में से शेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? कॉटन लेंगे और कॉटन से इस तरीके से इस शेड को पूरे पैन में कर देंगे। और पैन आपको पार्ट फर्स्ट के साथ ही बनाना है, यानी कि बुक्स के साथ ही बनाना है। जिस पेज पर आपने बुक बनाई थी उसके साथ ही आप इस पैन को बनाएंगे, ठीक है? और इसमें आप क्या करेंगे बच्चों? इसमें आप शेड करेंगे बहुत सुंदर से तरीके से, ठीक है? फिर हम जैसे हमने इसमें शेड कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें करेंगे अंडरलाइन, ठीक है? वो भी पेंसिल से करेंगे, स्केच हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। चलिए देखिए, तो बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा है ना?
कि आप पैन किस तरीके से बनाओगे और इसमें आपको करना क्या है, शेड करना है या कलर करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, शेड, ठीक है। और पहले इसको पेपर पर बना कर देखेंगे और फिर बनाएंगे इसको आप। अपनी ड्राइंग की नोटबुक में ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से इरेजर से थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ गंदा हो रहा है हम उसको साफ कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है पेन, ठीक है। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है शेड, और पेपर को ब्लैक नहीं करना है। इस तरीके से आपको अपनी ड्राइंग की नोटबुक में पहले रफ पेपर पर बनाएंगे, फिर ड्राइंग की नोटबुक में बनाएंगे। इस तरीके से आपको पेन बनाना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बहुत सुंदर तरीके से अपनी ड्राइंग की नोटबुक में बनाएंगे। थैंक यू।